राम राम मेरे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आशिक दिया और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। और शायद आपको पता भी चल गया हो कि जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वो हमारे 22 फरवरी से होने वाले हैं। हाई स्कूल या इंटर जिस भी क्लास में आप हो, ठीक है, तो आपने, मैं आपको कोई डेट नहीं बताने आया हूँ कि कौन सा पेपर कब होगा, ठीक है, वो तो आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं और आपने शाम को ही देख लिया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि आज सुबह वाला जब मैं बैच पढ़ा रहा था, लगभग 40-50 के करीब बच्चे होंगे एक बैच में, तो मैंने देखा कि उन सारे बच्चों के जो चेहरे थे ना, उतरे हुए थे, बड़ा मायूस लग रहे थे। तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया कि भैया आप इतने मायूस क्यों? एग्जाम डेट ही आई है, कोई भूकंप थोड़ी ना आने वाला है, ना ही आंधी आने वाली है, ना ही दुनिया खत्म होने वाली है, इतने दुखी क्यों? तो कहा कि भैया अभी मेरी सही से तैयारी नहीं हो पाई। तो मैंने कहा कि भैया तैयारी क्यों नहीं हो पाई है? तो कुछ ने कुछ कहा, सबकी अलग अलग राय होती है। तो मेरी राय क्या है कि जब भी हम लोगों ने अप्रैल से, हमारे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, कुछ बच्चों ने जुलाई से भी स्टार्ट की होगी, तो हमारे अंदर बहाने बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कैसे? जैसे अभी तो 8 महीने, अभी हम पढ़ के क्या करेंगे, जब थोड़ा समय बचेगा तब पढ़ लेंगे, या ऐसे भी बहाने बना लेते, चलो अप्रैल है यार, अप्रैल में कोई पढ़ना जरूरी नहीं है, तो बहुत समय है, चलो मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मई में कोई काम लग गया, नहीं पढ़ पाए, अब कहें चलो ठीक है, ये काम निपटाने के बाद पढ़ेंगे भैया, चलो अप्रैल में नहीं पढ़ पाए, मई में नहीं पढ़ पाए, चलो जून से स्टार्ट करेंगे। फिर जून में सोचो यार छुट्टियाँ, चलो नानी के यहाँ घूम आए, ठीक है, या कहीं रिश्तेदारी में चले, बुआ के यहाँ चले, कहीं भी चले चले जाते हैं। फिर जुलाई आ जाता, फिर आपके अंदर थोड़ा जोश आता है, चलो अब तो पढ़ना ही पढ़ना भैया, जुलाई आ गया, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? थोड़े समय आप पढ़ते भी हैं, फिर कहते यार जुलाई है यार, अभी तो आप बिल्कुल 8 महीने हैं, तो 8 महीने यार पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं ज़्यादा पढ़ लें भाई, जब टॉप कर जाए, अब टॉप तो करना नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ पास ही होना है, तो चलो ठीक है अगले महीने से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगले महीने में भाई साहब स्टार्ट किया, अगस्त भी निकल गई ऐसे ही, फिर आगे वाले भी महीने निकल गए, फिर भैया आ गई हमारी दीपावली, अब दीपावली आ गई, भैया दीपावली नहीं मनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? दीपावली मनाना जरूरी है, पटाखे छुड़ाना जरूरी है, ठीक है, मिठाइयाँ भी खाना जरूरी है, उसके बाद के जो भी त्यौहार होते हैं उनको भी मनाना जरूरी है। तो कहा चलो यार इस त्यौहार को निपट जाना, तो फिर हम जरूर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भैया वो त्यौहार भी निपट गया, लेकिन आप अपने विचारों से नहीं निपट पाए, विचार आपके मन में आते गए और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा ही समय आता गया और आप उसको बेकार निकालते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कल शाम को आपकी एग्जाम डेट आ गई। अब एग्जाम डेट आ गई तो आपके अंदर घबराहट पैदा होगी कि ये तैयारी तो है नहीं अभी, और पेपर 2 महीने बाद है, अब उसको कैसे पढ़ा जाए, और आपके जो हंसते खिलखिलाते चेहरे थे ना, वो एकदम उतर गया। आप इतने मायूस हो गए कि ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद भाई साहब आंधी आने वाली है, तूफान या दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आपके पास 2 महीने, 2 महीने कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। अब पढ़ेंगे कैसे, उसके लिए भी आप समझ लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टाइम टेबल, और टाइम टेबल में ये जरूरी नहीं होता कि हमें एक सब्जेक्ट इतने समय ही पढ़ना है, टाइम टेबल आप अपने अनुसार बना सकते हैं। आप अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो आप उसको थोड़ा कम पढ़िएगा, अगर आप किसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा, इस टाइप से टाइम टेबल बनाइए, आप अपने टाइम टेबल को बदलते रहिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बना लिया आप उसी के आधार पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप अपने टाइम टेबल को अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ऐसे टाइम टेबल बनाने से नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, आपको आपके अंदर से वो भावनाएं जागृत होनी चाहिए कि हमें यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाने, अगर हाई स्कूल में है, इंटर में है, या आप किसी हाई स्कूल या इंटर वालों की ही है बोर्ड एग्जाम, तो आप अपने अंदर उस जोश को लगाए रखिएगा कि हमें 90% लाने की 95% लाना है, देखो 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं, वो आपके आ ही जाएंगे, आप ना पढ़े तो भी, ठीक है, अगर आपको सिर्फ 60% लाने तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और ज़्यादा पढ़ाई भी ना करें,
कि अगर आपको अपनी मेरिट बनानी है, ठीक है, कम से कम आपको 90% 85% या 80% से ऊपर जाना है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और मेहनत करने का तरीका क्या है कि आप ऐसा नहीं कि रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, यही सोच सोच के पूरा दिन निकल जाता, पूरी रात निकल जाती। जब भी आपके पास समय हो, दिन में हो तो आप दिन में पढ़िए, अगर आपके पास रात में समय हो तो रात में पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पढ़ने से ही जो भी महान व्यक्ति बने हैं वो सब पढ़ने से ही बने हैं। भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की है। बाकी आप जिसको भी उठा लीजिए, जिसने भी बड़ा काम किया है, जिसने भी अपना नाम किया है, उसने पढ़ाई जरूर की। APJ अब्दुल कलाम जी का नाम ले लीजिए, उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की है। क्या उन्होंने अपने समय को मैनेज नहीं किया होगा? क्या उनके पास ज़्यादा समय होगा? नहीं होगा। यही तो एक तरीका है अपने आप को समझाने का कि हम उन लोगों को देखें जिन्होंने इस संसार में या अपने देश के लिए कुछ किया, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप किसी न किसी बहाने आप अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ते जाते हैं, ये आप अपने आप से क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को बस इतनी सी ही राय है कि अब आपके पास 2 महीने हैं, आप अपने टाइम को मैनेज करिएगा और पढ़ाई करिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। और ऐसा नहीं कि हम किसी सब्जेक्ट में कमजोर, हम किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कमजोर नहीं रहे हैं और ना ही आप रह सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो सपोज करो कोई कहते हैं कि हम मैथ नहीं आती है, हम मैथ नहीं आती क्योंकि आपने मैथ पे ध्यान नहीं दिया, आपने मैथ को पढ़ा नहीं। अगर आप उसको कायदे से पढ़ेंगे तो मैथ आएगी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सारे सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस समय आप दो अब गायब छेंक दिया, वो दो चीज़ें क्या है, एक तो इस समय शादी ब्याह का भाव चढ़ा दाम पे होता है। अब आप किसी भी दावत में जाएंगे तो आपके 1.5-2 घंटे बर्बाद होंगे, क्योंकि आपके पास वो समय है नहीं। 1.5-2 घंटे बर्बाद होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो अब हमें शादी ब्याह हो गई, अपनी दावतों को त्यागना है, अपने मन पे कंट्रोल रखना है। और दूसरा है फोन से भी हमारे जीवन का एक अच्छा हिस्सा भी है और सबसे बुरा हिस्सा भी है। और अगर आपके पास फोन है तो आप उसको रख दीजिए, अब उसके स्थान पे आप किताबों को उठाएं। अगर जैसे कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उस फोन पे सर्च करिए और उसको देख लीजिए और उसके बाद रख दीजिए। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सभी बच्चों से, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप बस इतना काम जरूर करिएगा कि 2 चीज़ों का आप त्याग दीजिए, कि अपनी दावतों को यानी घूमना फिरना और दूसरा अपने मोबाइल, ठीक है। और आज से कसम खा लीजिए कि मुझे 2 महीने सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना ही मुझे किसी रिश्तेदार से मतलब है, ना ही किसी दोस्त से मतलब है और ना ही किसी फालतू चीज से मतलब है, ठीक है। तो बस मैं आपको इतना ही बताने आया था। मैं हूँ आपका अपना आशीष भैया। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों।